क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने वाले हैं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच उठक पटक देखने को मिल रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं पर एनडीए से जुड़ी बिहार में मौजूदा एलजेपी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने अब ये मांग कर दी है कि बिहार में एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़े। अब इस पर बीजेपी क्या विचार विमर्श करती है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि जेडीयू जो इस बार विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आना चाहती है, वहीं दूसरी ओर एलजेपी के बड़े चेहरे चिराग पासवान पर भी सत्ता की बागडोर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान पर इस बार पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए। वहीं दूसरी ओर अब एलजेपी नेता भी चाहते हैं कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 143 सीटों पर लड़ें। खैर, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को एनडीए से जुड़ी सभी दलों के सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला किया जा सकता है, जिनमें एलजेपी प्रमुख माना जा रहा है। जेडीयू एलजेपी समेत कई ऐसे भी दल हैं जो हमेशा से ही अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में मौजूदा एनडीए पार्टी से जुड़े लोक जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल करने की फिराक में लग रहे हैं और ये बढ़ावा उनके नेता भी दे रहे हैं। एलजेपी नेताओं की मांग हो रही है कि चिराग पासवान 143 सीटों पर बिहार में बढ़त बनाते हुए नजर आए। अब उनकी इस मांग को पूरा किया जाता है या फिर नहीं, ये तो 1 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। बिहार में इस समय सियासत काफी ज्यादा गर्माई हुई है और जिस हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी खबर हमें सुनने को मिले कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार के दौर में चिराग पासवान का नाम भी आ जाए। अब आपको इस पूरी खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही बिहार में हो रही सियासत को लेकर आपका क्या कहना है, कॉमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।